वेलकम बैक। समाचार में आगळ वात करी तो ईरान में दंपति ने बंधक बनावा मामले गांधीनगर ना एजेंट ने पूछपरछ माटे बोलावायो छे। पूछपरछ में एजेंट की संडोवणी ना होवानुं बहार आव्युं। हाल क्राइम ब्रांचे एजेंट की अटकायत करी गांधीनगर ना सरगासण में एजेंट की ऑफिसे ताळा मार्या छे। तो हाल एजेंट की संडोवणी न होवानुं बहार आव्युं छे। विदेश जवानी घेलछामां मौतना मुखमां धकेलाई गयेला एक दंपति ने राज्य सरकारे तात्कालिक एक्शन थी बचावी लीधुं। ईरान में बंधक बनेला अमदावादना दंपति ने 24 कलाक में ज मुक्त करावामां आव्या। गैरकायदेसर अमेरिका जवानी लालच में गुजरातना आ वधु एक दंपतिए एजेंट साथे करोड़ों रूपयानी डील करी हती, परंतु दंपति ने ईरानना तेहरान में ज बंधक बनावी लीधा। तो आ मामले वधु माहिती माटे नवीन लाइव जोड़ाया छे, तेमनी पासेथी वधु माहिती लईए। नवीन, जे प्रकारनी आ समग्र घटना ने गुजरात में पहला पण आवी घटनाओ सामे आवी छे कि विदेश जवानी घेलछामां कोई फसायु होय, अत्यारे तो सदनसीबे आ लोको बची गया छे, शुं अपडेट्स एजेंट ने लईने? जे रीते आखो मामलो छे तेमां जे भोग बननार छे निशा ने पंकज बन्ने हाल अमदावाद में आ चुक्या है और जो पंकज की तबियत है थोड़क मानसिक डिस्टर्ब के कारण जे ब्लेड मारवामां आव्या छे तेने लईने तेने गांधीनगर ने खानगी हॉस्पिटल में दाखल पण करवामां आव्यो छे। अत्यारे जे छे पोलीस हवे तपास करी रही है कि खरेखर आखी लिंक शू है, क्योंकि लिंक की आखी जो माहिती आवशे त्यारबाद खबर पड़शे कि शू आखी मामलो सामे आव्यो छे। त्यारे जे प्राथमिक तपास सामे आवी छे कि भारत थी ईरान सुधी पहोंचाड़वा माटे कुल 3 एजेंटों रोल हतो, जेमां अभय रावलनो जे रोल हतो ते अहींयाथी तेने हैदराबाद, हैदराबादथी बीजा एजेंटे दुबई अने दुबईथी बीजा एजेंटे ईरान मोकलेलो हतो। परंतु ईरानथी जे अन्य जे कंट्रीमां मोकलवानी वात हती, जेने अमेरिका मोकलवानी वात हती, तो ए एजेंटे जे तेहरानमां तेने जे छे अपहरण करीने अने जे खंडणी मांगी छे अने जे मार मार्यो छे तेने बाद आखो पर्दाफाश थयो छे। जो कि अभय रावल जे अमदाद क्राइम ब्रांचथी कस्टडीमां छे तेनी पूछपरछ चाली रही छे। सवार सुधीमां जे अमारी वात थई हती अधिकारी साथे कि अत्यार सुधीमां एवुं कंई कॉन्क्रीट वस्तु सामे नथी आवी कि जेनी अंदरथी आनो अपहरणमां रोल होय, परंतु खरेखर जो बीजो पण एक गुनो छे कि जे इलिगल अहींथी कई रीते मोकली शकाय, इलिगल मोकलणी जे छे ते पण एक गुनो ज बने छे। तो ए दिशामां पण तपास करवामां आवी रही छे कि आने अगाउ केटला लोकोने मोकलेला छे। खरेखर ईराननां जे जे एजेंट हतो, जे खास करीने अत्यारे जे माहिती आवी रही छे कि जे पाकિસ્તાની એજન્ટ હતો તે અભય રાવલના સંપર્કમાં હતો કે કેમ, આનો રોલ હતો કે કેમ, એનું પ્રાથમિક તપાસમાં તે પોતાની વાતને નકારી રહ્યો છે અને ઘણા પુરાવા આપવાની વાત પણ કરી રહ્યો છે, પરંતુ પોલીસે તેની અટકાયત કરી છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેની પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને પૂછપરછ બાદ તમામ ખુલાસો થશે કે ખરેખર અભય રાવલનો કેટલો રોલ છે, તે સિવાય અન્ય જે એજન્ટો છે, માજીદ અને બીજો એક એજન્ટ છે, તેનો શું રોલ છે, તે તપાસ ચાલી રહી છે। પરંતુ અત્યારે કપલ જે છે, જે નિશા અને પંકજ, તે અત્યારે અમદાવાદમાં આવી ગયા છે અને બની શકે આવતીકાલે આ કેસમાં વધુ માહિતી સામે આવી શકે છે। બિલકુલ નવીન, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। તો હાલ જે માહિતી સામે આવી છે અને આગળ વધુ અપડેટ્સ પણ સામે આવશે જેમ જેમ પૂછપરછ થશે।